सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत के खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में आपका स्वागत हूँ। मैं हूँ प्रभात कुमार और मैं इस वक्त हूँ मानगो के NH-33 के क्षेत्र में, जहाँ यहाँ की जनता हमारे साथ है। हम आपको पहले यहाँ की जनता को दिखाना चाहते हैं, यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस क्षेत्र में क्या समस्या है और क्या समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। हालांकि चुनाव की विगुल बज चुकी है, जनता अब किस तरफ अपना रुख करेगी वो तो चुनाव का वक्त ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि आखिर यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी समस्या क्या है। सीधा हम जनता से जुड़ते हैं। जी आप आए, क्या समस्या है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा? जी मैं तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, इसलिए मैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। देखिए, मूलभूत सुविधा जो है, सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई, यहाँ सड़क अच्छा नहीं बना हुआ है। जहाँ सड़क टूट जा रहा है, बस एक दो साल में टूट जा रहा, फिर उसी के ऊपर फिर रोड ढाल दिया जाता है ना। और जहाँ सड़क नहीं है वहां सड़क नहीं बन रहा है, और सड़क के ऊपर सड़क ढाला जा रहा है, और बोलने पर बोल रहे भाई काम है हम लोग को जल्दी निपटा के दे देना है। और NH का जो सबसे बड़ा समस्या है हम लोग का, इस क्षेत्र का, मानगो के लोगों का, ये गड्ढा ही गड्ढा है इधर में। कितना लोगों का जान गया, सैकड़ों लोगों का जान गया है। होता है गरीब का, गरीब हो या अमीर हो, उसका परिवार उसका चले जाता है, कोई नेता को कोई देखने का कोई फुर्सत नहीं है। ज्यादा सोर्स हुआ तो आकर के थोड़ा देख लिए, नाम ले लिया, उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। और मुआवजा कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले जान बचनी चाहिए। रोड की आपने बात की, तो क्या आप लोगों ने इस क्षेत्र के जो विधायक है या विभाग है उससे अब कभी आप लोगों ने मिला? NH-33 की काफी लंबी पुरानी मांग है, काफी खराब अवस्था में है, इसको लेकर कभी आप लोगों ने विभाग से या मंत्री से मिला? हम माननीय सरयू राय जी यहाँ के विधायक है, उनसे बहुत बार बात हुई, उन्होंने खुद रोड को लेकर के बोल रहे हैं कि यहाँ समस्या है। तो समस्या है तो समाधान भी तो आप ही करना होगा, चूंकि जनता के प्रतिनिधि आप हैं। और आप कहेंगे कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, ना हॉस्पिटल में सुनी जाती है, ना रोड के मामले में सुनी जाती है, तो ये कैसे जनता विश्वास करेगी? जब आपके बात नहीं सुनी जाती है तो फिर बेकार है आपको रहना, है ना। ठीक है, देखिए फिर से वापस आएंगे। देखिए यहाँ जो NH-33 है, 33 जो है काफी जर्जर अवस्था है, काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, जो बड़े वाहन चलते हैं उससे कई दुर्घटनाएं होती हैं, कई लोगों की मौत हुई। निश्चित तौर पर NH-33 को लेकर काफी राजनीतिक हुई। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, NH-33 के इन्होंने बात की। और अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है MGM अस्पताल। यहाँ पर 3.5 लाख लोगों का भविष्य वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन आप देखे होंगे कि वहाँ पे अच्छी सुविधा आज तक नहीं मिल पाई है। इस राज्य के मंत्री, यहाँ के स्थानीय विधायक वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं हम व्यवस्था को सुधारेंगे, लेकिन आज पूरे 5 साल बीत जाने के बाद भी व्यवस्था आज वही स्थिति पर है जहाँ पर पहले थी। लोग वहाँ पर जाने से भयभीत है, लोग जाते हैं तो सोचते हैं, ये विश्वास नहीं है उन्हें कि हम घर लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है। आप NH-33 पर भी आ जाइए, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1 साल पहले लगभग पेपर में छपा था कि 1500 करोड़ रुपए का बंदर बाट हो गया, लेकिन आज भी NH-33 नहीं बना है। यह NH-30 सिर्फ मौत का जरिया बना हुआ है। यहाँ पर लोग आए दिन हम लोग देखने को मिलता है, पेपर के माध्यम से मिलता है, हम लोग देखते भी है कि लोग कितने लोग गड्ढे के माध्यम से मरे हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ियाँ घुस जाती है, ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है, लेकिन आज भी सरकार की ये विफलता रही है। अगर हम कहें कि आज 5 साल की सरकार में सबसे बड़ी विफलता माना जाए तो यह NH-33 को हम मान सकते हैं, यह सबसे बड़ी विफलता इनकी रही है। ये देखिए, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राज्य सरकार की सबसे बड़ी विफलता है ये NH नहीं बनना। निश्चित तौर पर जो डिमना रोड से लेकर पार्टी तक का जो NH है, यहाँ काफ़ी गाड़ियों का आवाजावन होता, काफ़ी बड़ा आबादी है, अगल बगल फ्लैट्स है, निश्चित तौर पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में लगता है कि कोई बड़ा अच्छा शिक्षण संस्थान है जिससे आपके बच्चे का भविष्य बढ़िया हो सके, तय कर सके आप? शिक्षा, ये पश्चिमी विधानसभा में शिक्षा की बात करते हैं लोग, रोड की बात किए। शिक्षा अगर होती जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी राज्य में सरकार है, और जहाँ के मुख्यमंत्री हैं
और जहाँ के खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं पश्चिमी विधानसभा के, तो शिक्षा तो इनको पता ही नहीं कि शिक्षा क्या चीज होती है। शिक्षा के बारे में जाने तब ना, शिक्षा किसे दी जाती है, कैसे दी जाती है, लोग उनसे मिलने जाते हैं तो मिलते नहीं हैं, उसके बाद 20 तरह का बहाना करते हैं, स्कूल कॉलेजों की स्थिति दयनीय हो गई है, सिर्फ शौचालय 10,000-12,000 का बना के सोच रहे हैं केंद्र सरकार कि अच्छी हमारी व्यवस्था हो गई शिक्षा में, तो ये नाकाम रहे हैं पूरे ये अपने पश्चिमी विधानसभा क्या पूरे झारखंड में शिक्षा के नाम से नाकाम रहे हैं। शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, जहाँ के 3-3 मंत्री जमशेदपुर में, और उसकी दुर्दशा जमशेदपुर की ये है कि कहा नहीं जा सकता, एक एक आम जनता लोग परेशान है, और इस परेशानी के कारण जो चुनाव का बिगुल बज गया है तो इनकी स्थिति पता चल जाएगी कि क्या स्थिति है। और हमारे मंत्री माननीय सरजू राय जी जो घूम घूम के जो प्रचार कर रहे हैं, आज क्या दरकार है इनको, अगर बीजेपी में है तो इनको सुबह 5 बजे उठ के वॉकिंग में जो लोग हैं उनके पास जाने की क्या जरूरत है। तो चलिए चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जो क्षेत्र के विधायक है वर्तमान में जो मंत्री है वो इतने सालों से विधायक रहे हैं, एमजीएम की बात हुई और शिक्षा की बात हुई, वो ऐसा शिक्षा जो शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं क्या समस्या है। आपने एनएच के बाद बोल रहे थे कि बहुत धूल उड़ता, क्या सबसे बड़ा समस्या इस क्षेत्र में क्या है? देखिए हमारा एक हमारे बीच में एक और व्यक्ति खड़े, उन्होंने भी बताया शिक्षा के बारे में। मैं शिक्षा के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय जी यहाँ के मंत्री हैं और पूरे झारखंड के वो मंत्री हैं, और यहाँ पर एक हाई स्कूल आज तक नहीं खुल पाया जमशेदपुर में। मुख्यमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि डिग्री की आवश्यकता नहीं है, डिग्री लेकर के घूमो और उसके बाद तो फिर शिक्षा का क्या आवश्यकता, फिर शिक्षा की बात सरकार करती क्यों है? ये मीडिया के लोगों का काम है कि शिक्षा के नाम पर उनसे सवाल करें। जब मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता नहीं, डिग्री की आवश्यकता नहीं, आपका हाथ में हुनर रहेगा, आप पढ़े लिखे नहीं रहो, अंगूठा छाप रहो तो आपको नौकरी मिल जाएगी, तो शिक्षा की बात तो बेमानी होगी सरकार भी इस राज्य के अंदर में करना। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि NHI का रोड है, नेशनल हाईवे को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन अंतर्गत आता है, लेकिन बाकी जो ब्रांच रोडें हैं, आप यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से आप चले जाइए जवाहर रोड नंबर 15 और देखिए कितनी दयनीय स्थिति है। रोज हमारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो गाड़ी में हिचकोला खाते जाते हैं, कभी उनका नाक में चोट लग जाता है, कभी उनके होंठ कट जाते हैं, ये स्थिति ब्रांच रोड की है। हाँ, जो अभी कुछ दिन पहले विगत 2014 में मेरे को याद है शायद कि यहाँ पे एक बिजली ग्रिड की स्थापना की गई थी, बिजली ग्रिड की स्थापना की गई थी कि मानगो को भरपूर बिजली मिलेगी, 22 घंटा बिजली मिलेगी, लेकिन वर्तमान मंत्री जी ने उस बिजली ग्रिड के काम को एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। 4-4 सब स्टेशन है, सिर्फ एक सब स्टेशन को उस ग्रिड से जोड़ा गया, जो कि आज मानगो में बिजली की समस्या बरकरार है। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूंगा कि यहां के जो वर्तमान विधायक और मंत्री जी हैं इनको काम से लेना देना नहीं है। इन्होंने 5 साल, हमने अखबार में पढ़ा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री से झगड़ा करने में इन्होंने 5 साल को गुजार दिया। रही सवाल इस रोड को लेकर के, तो रोड को लेकर आज तक जो यहाँ का दैनिक अखबार है उसने आंदोलन चलाया, ABP न्यूज पे दिखाया गया, आज तक के न्यूज पर इसको रोड की बदहाली दिखाई गई, लेकिन शायद सरकार को इस रोड से लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, आपने जो कहा कि रोड के बारे में निश्चित तौर पर काफी लोगों ने NH के बारे में लोग कह रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में काफी समस्या है। इन्होंने NH के अंदर जो ब्रांच रोड है उसकी भी समस्या बताई कि रोड में बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर कोई आना जाना करता है तो हिचकोले खा के जाते हैं। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की जो जनता है काफी रोष है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 साल में सरकार ने जो काम की है उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है। आप सामने आ जा रहा, बिजली की क्या स्थिति है? अगर हम शिक्षा की इन्होंने बात की, रोड की बात करें, अगर बिजली और साफ सफाई पानी की बात करें तो क्या स्थिति है इस क्षेत्र में? मानगो में जो हमारे विधायक जो है सरयू राय जी के क्षेत्र है, इसमें वहाँ पर जो शौचालय यहाँ पर बना है, शौचालय की सफाई नहीं होती है। नोटिफाइड के एरिया में जब हम जाते हैं वहाँ पे सफाई की मांग करते हैं तो वहाँ सफाई नहीं होती है। डस्टबिन जगह जगह लगा दिया गया लेकिन उसी व्यवस्था नहीं है उसको हटाने के लिए। और जितनी भी शौचालय भाई अभी जाके देखो वहाँ से पानी नहीं होता, गंदगी से भरपूर रहता है वो उनका क्षेत्र है। और हम जब नोटिफाइड में जब जाते हैं कि यहाँ पर अभी डेंगू का प्रकोप छाया हुआ है मार्गो क्षेत्र में, इससे अलग में, लेकिन डेंगू के लिए बोलते हैं मच्छर का छिड़काव, मशीन खराब हो जाती है, नोटिफाइड में रखे सड़ जाती है, लेकिन उसका छिड़काव मार्गो में नहीं होता है। कारण है कि यहाँ व्यवस्था जो हमारे विधायक है, हम जाते हैं वो हमारी बात सुनते नहीं है, हमारी बात को रखते हैं, हमारी बात को नोटिफाइड क्यों खोलता है कि वहाँ पे अगर कुछ पैसा दीजिए तो काम होगा, पैसा नहीं दे काम नहीं होगा। यहाँ पे सब गोरख धंधा है, यहाँ बना कर रखे हुए सब लोग, जनता में ताकत होती है, लेकिन वहाँ पर ही बोलते हैं कि नहीं यहाँ के प्रतिनिधि को लाइए, पर्टिकुलर प्रतिनिधि को लाइए जो वहाँ पर है, दूसरे जो प्रतिनिधि नहीं है दूसरे पार्टी को उसको कोई सुनता ही नहीं है, बोलते मंडल के अध्यक्ष को लाइए, उसको लाइए, उसको, इस तरह की बात वहाँ की जाती है।
जी देखिए, जो नगर निगम है, नगर निगम इन लोगों की बात सुनता नहीं। जिस तरीके से इन लोग का कहना है कि नगर निगम के पास जाने से वो इनकी बात सुनते नहीं, या तो प्रतिनिधि को लेकर या फिर विधायक के पास जाते हैं तो विधायक को नहीं सुनते। निश्चित तौर पर जो इस क्षेत्र की मानगो क्षेत्र की जनता हमें काफ़ी रोष है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानते हैं। अगर हम बात करें विधि व्यवस्था का, तो क्या लगता है कि आप इस क्षेत्र से काफ़ी लोग आना जाना करते हैं, बच्चियां जाना आना जाना करती है, तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन का जो जो पेट्रोलिंग है प्रॉपर होता है? नहीं, पेट्रोलिंग प्रॉपर नहीं होता है और विधि व्यवस्था दयनीय है। आए दिन कुछ ना कुछ आपराधिक घटना यहाँ घटते रहती है। महिलाएँ जो है अपने को असुरक्षित महसूस करती है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो इतना बड़ा मानगो में जन आबादी है और आधी आबादी जो महिलाएं की है। आज तक इतने दिनों तक भाजपा के ही विधायक रहे हैं ज़्यादा टर्म्स, लेकिन उसके बावजूद भी एक महिला कॉलेज यहाँ नहीं है, जिसके कारण यहाँ के महिलाओं को, लड़कियों को दूर जाकर के शिक्षा लेनी पड़ती है। और स्थानीय विधायक जो सरजू राय जी है, वो अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि NH को लेकर के गडकरी जी से मिल रहे थे, ये सब। तो ये उनका जब इलेक्शन आता है तब ये भय दोहन करते हैं। जैसे पूर्व में भी इलेक्शन जो 9 और 14 में था, तो एक बार वो नदी के पानी नाप रहे थे, एक बार नदी नाप रहे थे। तो इस तरीका का इनका व्यवहार रहता है, भय दोहन करना, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना। लेकिन आम जनता से इनका संपर्क नहीं है। आज के दिन में वो निकलते हैं सवेरे 5 बजे भोर में वॉकिंग के टाइम पर। और देखिए, आपसे हम समस्या का बात कर रहे हैं, हम किसी का आरोप लगाने के लिए बात कर रहे हैं। कॉलेज समस्या के बाद बताएं। स्थानीय विधायक से ही हम लोग को उम्मीद रहता है ना, तो स्थानीय विधायक जो है हमारा समस्या को दूर नहीं कर रहे हैं। हमारा समस्या अगर अगर विभाग विभाग के पास आप लोग जाते हैं, प्रशासन विभाग के पास जाते हैं, हाँ, तो विभाग के पास जाते हैं तो विभाग हम लोग से बोलते हैं कि सरजू राय जी से बात करेंगे, या आप स्थानीय विधायक से लेटर लेके आइए, या ऐसा। तो हमने कभी नहीं सुना कि कोई समस्या है तो पहले विधायक से लिखा के लिए। अगर समस्या के लिए विभाग बना है, विभाग उसको देखेगी ना, कि कोई विधायक या विभाग में कहा जाता है। विभाग इनका सुनता कहाँ है? सुनता कहाँ? मंत्री से झगड़ा करके रहते हैं, विभाग का कोई अफसर यहाँ? ठीक है, देखिए, इन लोगों का कहना है कि विधायक से लिखा के लाने के बाद ही विभाग काम करती है या उनकी बात सुनता है। निश्चित तौर पर मानगो की जनता जो है उसमें काफी रोष है इस क्षेत्र के विधायक को लेकर। इन लोगों का कहना है कि जब चुनाव आता है तब जो स्थानीय विधायक है वो या तो रोड को लेकर बातें खड़ा करते हैं, या तो फिर नदी में जाकर पानी नापने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में काफी समस्या है, लोग में रोष है। अगर हम बात करें बिजली की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, अगर हम बात करें कि जो मूलभूत सुविधा जैसे साफ सफाई या बिजली हो, क्या लगता है कि इस क्षेत्र में प्रॉपर रहता है या साफ सफाई होती है? देखिए सर, ऐसा है कि साफ सफाई तो जो रहना चाहिए वो तो साफ सफाई रहता नहीं है, ठीक है। इसलिए कि इन लोगों के पास कोई सिस्टम नाम का चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरत है हम लोग को सिस्टम बनाने का। अगर सिस्टम बनेगा उसके बाद से काम किया जाए तो बहुत अच्छा से काम होगा। तो सबसे पहले जो भी विधायक हैं, चाहे MP हैं, जो भी हैं, तो उनको सिस्टम बनाने का ज़रूरत है। इसलिए सिस्टम है नहीं और काम पे काम किए चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए नाली बनाए, तो नाली क्या होता है, ठीक 3 महीने बाद पानी आगे की तरफ ना जाके वो पानी पीछे की तरफ चले जाता है। बाहर की तरफ निकलना चाहिए तो अंदर की तरफ ही आता है। तो फिर कुछ दिन 3 महीने बाद 6 महीने बाद फिर उसको तोड़ के फिर दूसरा नाली बना दिया जाता है। अभी सारा सिटी का रोड को ही ले लीजिए, कुछ दिन पहले ही बना है, 9-10 लाख का बना है, ढलाई हुआ है, तो उसको फिर जो मतलब जो होना चाहिए, जो मतलब रोड की तरफ मतलब पानी जाना चाहिए, सबके घर में पानी घुस जा रहा है। तो बोलने का मतलब यही है कि सिस्टम, जो भी विधायक MP MLA मंत्री जो भी बनते हैं, तो उनको पहले सिस्टम बनाना चाहिए। कैसे पैसा को, जनता का पैसा को कैसे खर्च करें। जनता का पैसा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसको जो मन करता है, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, जो मन करता है, जहाँ मन करता है वहाँ डाल देता है। तो विधायक का जितने भी आदमी है, चाहे MP का आदमी, वो लोग अपने हिसाब से काम कराता है। सिस्टम नाम का चीज़ नहीं। तो इसलिए सबसे पहले सिस्टम बनना चाहिए कि आखिर पैसा खर्चा होना है, तो एक बार खर्चा हो कम से कम कुछ दिन चले, या कुछ दिन नहीं चले, 3 महीना 6 महीने के बाद ही पैसा का मैंने एक तरह से देखा जाए तो बंदर बांट हो रहा है। तो आखिर इसको करेगा कौन? यही लोग करेंगे, विधायक और MP ही करेंगे। ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो सांसद या विधायक है उन्हें सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोगों की समस्या है, इस क्षेत्र की समस्या है, वो प्रॉपर हो सके। विभाग इन लोगों की सुनता नहीं है। निश्चित तौर पर जो विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे जो भी पदाधिकारी है, अगर ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो इनकी जो समस्या है उनका समाधान ज़रूर करेंगे। निश्चित तौर पर
लोगों में रोष तो है इस क्षेत्र में, जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, स्थानीय विधायक को लेकर रोष है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में और क्या समस्या है। आप आए जी, आप आए, इधर आए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या समस्या है? टोटल रोड का ही समस्या है, टोटल रोड का एनएच का 33 का प्रॉब्लम है। टॉयलेट रूम का भी बंट हो गया है, लेकिन टॉयलेट रूम बंट हो गया है, लेकिन आज तक साफ सफाई का कोई है नहीं, कुछ में सारा प्रॉब्लम है, दिक्कत परेशानी है, कभी आता है कभी नहीं आता। आज जाके देख लीजिए, कोई भी टॉयलेट रूम साफ हो तो, कोई टॉयलेट रूम साफ नहीं है। टॉयलेट में ताला लगा हुआ है, पता नहीं टॉयलेट रूम बना किसके लिए है। जितने भी सफाई क्या है उतने आता है कभी नहीं आता है, जितना डस्टबिन है उसको भी उखाड़ के फेंक दिया गया, कोई विधि व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जी देखिए जी, ये आप क्या बोल रहे थे पाजी, जरा ये बताइए क्या। हाँ, जो भी डिमनी रोड में काफी शौचालय जो भी बनाए हैं विधायकों द्वारा, सब में ताला लगा हुआ है, आखिर उसका चाबी कहाँ पे है? हम कहाँ जाएं जब हम लोग मार्केट में काम करते हैं तो उसका चाबी कहाँ पे है, वो तो जानकारी होना चाहिए। नगर निगम को आप लोगों ने इसकी सूचना दी है कि भाई आप बहुत बार नोटिफाई में ताला क्यों मारा गया? बहुत बार नोटिफाई को हमने पूछा है कि चाबी कहाँ है, तो वो कुछ बोलते जाए जो बनाया उससे बात करो, तो कौन बनाया ये तो मुझे नहीं पता ना। नगर निगम है ना जी, तो बाकी जो भी देखिए डस्टबिन है, कोई आग लगा देता है, कोई गंदगी करके रखा हुआ, कोई उठाने वाला नहीं है, बस ये समस्या है जी। देखिए इनका कहना है, सही कहना है कि जो पब्लिक टॉयलेट बनाया गया था सरकार के द्वारा उसमें ताले लटक रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर पब्लिक टॉयलेट बना है तो उसे यूज़ होना चाहिए, ताला खुलना चाहिए। अगर नगर निगम के पदाधिकारी अगर ऐसा बात कहते हैं कि ताला बंद है, तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर जिला के जो मालिक है वो कार्रवाई करें, ताकि जो पब्लिक की जो समस्या है, जो टॉयलेट बंद है, टॉयलेट नहीं बंद होना चाहिए, लोग अगर बना है पब्लिक टॉयलेट उसी के लिए बना है। इस क्षेत्र में काफ़ी समस्या है, लोग टॉयलेट की बात की, NH-33 को लेकर बात की, शिक्षा की बात की, बिजली की बात की, निश्चित तौर पर लोग में काफ़ी रोज है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, अब उनसे जाएंगे। जी बताएं क्या समस्या है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा? देखिए सफाई की बात अगर हम करें तो क्या लगता है प्रॉपर सफाई होता है? सफाई तो एकदम नहीं है सर, लेकिन विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। थाना धन उगाही का अड्डा बन गया, चोरी डकैती आए दिन, छेड़खानी ये सब बहुत ज़्यादा है, कोई सुनता नहीं है। थाना जाओ तो दिवाली का खर्चा मांगता है, थानेदार बोलता है अच्छा चलो हम देखते हैं, मंत्री जी के पास जाते हैं तो मंत्री जी बोलते हैं हम तुम्हारा घर का सब काम कर दे क्या, जाओ उसके लिए विभाग बना हुआ है, विभाग में धन उगाही करता है, आज ये दिवाली का खर्चा दे दो, आज इसका खर्चा दे दो, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ चोरी। थाना आपकी नहीं सुनता, जिले में SP है, आप लोगों ने SP से इसकी शिकायत की कि दीपावली का खर्चा मांगता है, अच्छा पैसा मांगता है? आम आदमी में बहुत ताकत है, अरे आम आदमी में बहुत ताकत होता है, बहुत ताकत होता है आदमी, आम आदमी बहुत कुछ पटल सकता है। अगर आप SP को शिकायत करें इसकी कि अगर वो थानेदार हमारे से पैसा मांगता है तो कार्रवाई जरूर होगा। थानेदार ही इतना हम लोग को डरा देता है कि SP तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं बढ़ती है। हमारा विधायक, हमारा प्रतिनिधि उनसे जाके मिलते हैं तो वो बोलता है कि वो सीधा थाना बोल देता है, तो कम से कम उनको हम लोग को मदद करनी चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए इनका कहना है कि जो विधि व्यवस्था है वो इस पूरा चौपट है, अगर थानेदार के पास जाते हैं तो थानेदार दीपावली का खर्चा मांगता है, तब जाकर किसी तरह की बात सुनी जाती है। निश्चित तौर पर इनका जो समस्या है, अगर जिले के कप्तान इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो इनकी समस्या है, समाधान जरूर होगा। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बोल जनता बोल में। स्वागत है बोल जनता में। हम मानगो की क्षेत्र की जनता जो है उनसे जान रहे थे कि इस क्षेत्र में क्या समस्या है, अगर समस्या है तो विधायक या प्रशासन के द्वारा इस क्षेत्र में काम किया गया नहीं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी विरोध किया, जो स्थानीय विधायक है चाहे जो विभाग है उसका विरोध किया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या आप स्टूडेंट हैं या काम करते हैं? स्टूडेंट है। क्या लगता नहीं कि आप स्टूडेंट हैं तो इस क्षेत्र में बढ़िया शिक्षण संस्थान होना चाहिए था? अभी के वर्तमान विधायक जो हैं क्षेत्र के लिए अभी तक कोई भी बड़ी योजना नहीं लाए, आगे के जो विधायक थे बड़ी योजना लाए, जैसे कि ओल्ड पुलिया रोड की चौड़ीकरण करवाएं और पार्डी रोड की चौड़ीकरण करवाएं। आपसे हम समस्या की बात कर रहे हैं, हम विधायक और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप विधायक कौन था नहीं था उस पर हम नहीं चर्चा कर रहे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्या अच्छा संस्थान है इससे? मानव क्षेत्र में अभी कोई संस्थान नहीं दिया गया है, अभी तक ऐसा कोई मतलब नहीं बनवाया गया है।
जी देखिए, लोग का कहना है कि जो शिक्षण संस्थान होना चाहिए था उस तरीके से शिक्षण संस्थान नहीं है, लोग में कहीं ना कहीं रोष है। आइए, अगर हम साफ सफाई की बात करें, मान लो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो नगर निगम है, क्या वो प्रॉपर इस क्षेत्र में आके साफ सफाई करता है? क्योंकि ये देखा गया है कि बरसात के दिनों में काफी डेंगू का मरीज था, तो क्या निगम या जो जो विभाग है वो काम किया है? आप देखे हो कि मानगो एरिया में सबसे ज्यादा बीमारी मानगो एरिया में डेंगू के मरीज सबसे ज्यादा मानगो में ही मिले। अगर सफाई की व्यवस्था हुई रहती तो ऐसी समस्या तो आनी नहीं चाहिए थी। सफाई क्या होती है, नोटिफाइड के द्वारा वो देखने लायक चीज है। यहाँ से हम लोग का सहारा सिटी रोड देख लीजिए, चाहे मानगो 15 नंबर देख लीजिए, चाहे जवाहर नगर की किसी भी गली मुहल्ला रोड के सफाई देखिए, जहाँ भी जाइए आपका इतना कचरा जमा हुआ है। हफ्ता में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीना में एक दिन कोई दिन गाड़ी आती है उसको डंप करके ले जाती है। तो निगम को आप लोगों ने क्यों नहीं, आप लोग 10 आदमी अगर जाकर बोलेंगे नहीं, अगर कचरा होती आपको उठाना, आपका काम है, हम इसका ये टैक्स देते हैं, आपको करना होगा, क्यों नहीं करेंगे? अब उसके लिए तो सब आदमी को जाना, वहाँ नोटिफाइड में जाने से भी सबका तो सुनता नहीं है। जाए अगर जाया जाए बोलने के लिए तो वहाँ सुनना भी मुश्किल है। किससे किससे बोला जाए कि हाँ चलिए उठाइए कचरा, मतलब कि ठीक है रजिस्टर रखा है उसमें कंप्लेन लिख दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए निश्चित तौर पर जो नगर निगम है उसके पदाधिकारी को लेकर लोगों में रोष है। जो जिस तरीके से प्रॉपर सफाई होनी चाहिए वो नहीं होती है, क्योंकि इसी कारण से इस क्षेत्र में काफ़ी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं और आगे भी डेंगू के मरीज हुए। आप आइए थोड़ा, क्या लगता है कि बिजली प्रॉपर रहती है क्षेत्र में? जी सर, नहीं रहती है प्रॉपर बिजली, तो नहीं रहती है प्रॉपर। हम पार्टी में रहते हैं NH 33 बगल, बिजली एकदम मैंने रहती है मगर पूरा नहीं रहती है। जितने बोलते हैं यहाँ के विधायक जी या जो भी है बिजली विभाग वाले, लेकिन बिजली उतने नहीं रहती है। पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है स्टूडेंट लोगों को, बिजली तो नहीं रहती है। ग्रिड सामने हमारे बालीगुमा में ग्रिड बने हैं, लेकिन बिजली देखिए अभी भी नहीं मिलती है हमारा सामने। जी देखिए, जिस तरीके से बिजली मिलना चाहिए नहीं मिलता है। छात्र जो है स्टूडेंट हैं उसको पढ़ाई में काफ़ी 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 दिक्कतों का सामना। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि सरकार कहती है जीरो कट बिजली है, लेकिन वो रहती नहीं है। निश्चित कहीं ना कहीं लापरवाही है, चाहे बिजली विभाग के विभाग करके चाहे लोग की बात करें, कहीं ना कहीं ये समस्या है। क्या लगता है कि जो इतनी समस्या है क्या समाधान लगता हो? देखिए समाधान तभी हो पाएगा जब हमारा नियति होगा, और नियति तभी होगा जब यहाँ पे हमारे विधायक हो, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि जीत करके आते हैं, अगर वो समस्या पर अड़े रह जाएंगे कि हमें इसका निष्पादन करना है तो जरूर होगा। और कहीं ना कहीं हमें जनता को भी जागरूक होना होगा इसके लिए। सिर्फ जनप्रतिनिधि पर हम आरोप लगाएं कि यह काम जनप्रतिनिधि का है, सिर्फ जनप्रतिनिधि ही करेगा, तो ये गलत है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जी आप जहाँ रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस हालात में रहते हो, अगर उस घर को भी आपने संवार दिया तो समझना आपने भारत माता की रक्षा की है, देश को संवारने का काम किया है। तो ये जिम्मेवारी हमारी भी बनती है कि हम भी अपने देश को संवारने के लिए आगे आना होगा। जनप्रतिनिधि को हम जरूर चुनाव में जिता कर भेजते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारा भी यह सवाल बनता है, प्रश्न बनता है कि हम उनसे सवाल करें कि भाई हमसे पूछे कि आपको हमने जिता के भेजा है, इस यहाँ की समस्या के लिए आपको हमने जिताया है, तो इस समस्या पर आपको निदान करना होगा। लेकिन हमारे पे कमी है कि हम उनसे पूछ नहीं पाते हैं, जनता सवाल नहीं करती है, ये कमी हमियाँ है, ये हम में कमियाँ है, तो हमें भी यह स्वीकारना होगा, तभी जाकर के इस क्षेत्र का समस्या का समाधान हो सकता है। ये देखिए समस्या आए दिन बने रहेगी। आज 73 वर्ष हो गया आज़ादी को, आज भी हम लोग बिजली पानी सड़क इस पर राजनीति करते हैं। हम कभी इस बात पर नहीं जाना चाहते हैं कि हमें अच्छी चिकित्सा का सुविधा कहाँ मिलेगा, हमें कौन ला करके चिकित्सा सुविधा देगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छे विद्यालय को कौन निर्माण करेगा, कौन हमारे बच्चों का अच्छा एजुकेशन देगा, हम इस पर जाना नहीं चाहते हैं। तो यह हमें भी कुछ कमियाँ हैं, यह हमें भी यह सोचना पड़ेगा। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की, जो भी राजनीतिक दल है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, खुद को भी सजग होना होगा, खुद को भी जागना होगा, तब हम जो जो समस्या है चाहे जो साक्षरता की बात हो या साफ सफाई की बात हो वो कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा बात कहा कि जो 73 साल आज़ादी के हो गए आज भी हम लोग राजनीतिक एम में पड़े रहते हैं। बताइए क्या बोल रहे थे, बता रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, भारत स्वच्छ अभियान, लेकिन यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं हमारे कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, सबका साथ और अपना विकास हो रहा है, इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। और साफ सफाई को लेकर के तो मानगो डेंगू और मलेरिया के चपेट में है, कितना भी नाली बना है किसी का साफ सफाई नहीं है।
आपसे मैं आग्रह करता हूँ न्यूज़ 11 से कि आप चल के ये अयाद बस्ती से लेके मानगो हिल व्यू कॉलोनी और तरह जितना देखेंगे नाली पूरा जाम है, पानी जाम है, उसमें मच्छर पनप रहा है और उसी के कारण जो है डेंगू मलेरिया हो रहा है। माननीय सांसद जी यहाँ के जो हैं, मैं 3 बार जो है महामंत्री रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के बावजूद हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है और इलेक्शन के टाइम में भाजपा के कार्यकर्ता को याद किया जाता है, इलेक्शन के बाद जो है भाजपा कार्यकर्ता को संट कर दिया जाता है। ये मान्य मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, कैडर हूँ, उसके बाद भी हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती, तो आम आदमी की बात सुनना सुनते ही नहीं है। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं भाजपा का ही पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जब हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो आम लोगों की कैसे बात सुनी जाएगी। निश्चित तौर पर जो क्षेत्र के विधायक है या सांसद है, इनकी जो समस्या है इनका समाधान होना चाहिए। लोग काफ़ी रोष में है, निश्चित तौर पर चुनाव का बिगल बज चुका है, आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है जनता अपना मत तो जरूर देगी, लेकिन जो इनकी समस्या है बिजली पानी रोड की, वो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के लोग हैं चाहे नगर निगम के लोग हैं, इनकी समस्या का समाधान जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मुखातिब होंगे नई जगह से, तब तक के लिए नमस्कार।